लोग, बेहद ही खूबसूरत जगह, लोग पिकनिक में आए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। चढ़ना थोड़ा ख़तरनाक है और ये पंचधारा के दृश्य दिखा रहा हूँ, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू। कहाँ पर फिसलता है यार, देखिए पंचधारा ऊपर की इलाका है, मेरे को उधर नहीं जाना है भैया, मौत है उधर जस्ट नीचे, बहुत खतरनाक जगह है ये, आप दृश्य देख सकते हैं। पंचधारा है यार, पंचधारा के पंचधारा। अच्छा चलिए दिखाएंगे उदेश भाई, चलिए आगे चढ़िए ऊपर, अब पूरा मैं दिखाता हूँ वहाँ पर चाहे, चलो एक बार देख के आते हैं योगेश भैया, चलो। नमस्कार, मैं हूँ परमान राजवाड़े, मेरे पीछे हैं योगेश राजवाड़े, और क्या नाम है तुम्हारे यार, पीछे छुप रहे हो इधर, जय प्रकाश। जय प्रकाश, अभी बड़ा दमाली में है, अंबिकापुर संभाग में पड़ता है, और बड़ा दमाली चारों तरफ से बंदरकोटा पहाड़ है, कह सकते हैं हिमालय जैसे पहाड़, माउंटेन है, यानी कि मेन पार्ट का पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर पंचधारा यानी पांच धारा बहता है, और ये पटपरिया जो कि मेन पार्ट से उसका संगम है, ये स्टार्टिंग हुआ है और मैं आज तक नहीं देखा हूँ, अब देखने जा रहे हैं। बड़ा दमाली से होते हुए जाएंगे, लेकिन एक बगल से जा रहे हैं, रास्ता बहुत घटिया रास्ता है, और तीन लोग बैठे हैं बाइक में, क्या होगा वो आगे हमारा कैमरामैन योगेश राजवाड़े दिखाएंगे आगे का, और मेरा यूट्यूब परमान राजट ब्लॉग से लाइक, मैं सचिन भाई को बोला कि जाना है यार, लेकिन वो नहीं जा रहा मैं किसी कारण से, लेकिन एक भाई है वही दिखा रहे हैं, हमारा गाइड है, आज पूरा बताएंगे और रास्ता, और यहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, रोड कितना खचाड़ा है या बहुत बेहतरीन है या क्या है, वो तमाम जानकारी आप पूरा वीडियो आप तभी जान पाए, क्या लगता है पूरा डिटेल में दिखाता हूँ, तब तक बने रहिए वीडियो में, धन्यवाद। बताओ कुछ बता लो, चलो बताओ पूरा डिटेल, यहाँ कौन सा समय में ज़्यादा अच्छा रहता है सर? कौन सा समय में? हाँ, सोमवार हो गया, हाँ जनवरी, हाँ मार्च, अप्रैल तक रहता। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद क्या चीज़ पर विशेष सावधानी रखना चाहिए जयप्रकाश जी? हाँ ज़्यादा यहाँ पे हीरो पंच दिखाना नहीं चाहिए, हाँ क्योंकि यहाँ पे खतरा बहुत है, हाँ बोलना चाहिए तो यहाँ पे ना पैर 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 रखते हैं तो बहुत फिसलता है ना, फिसलने का खतरा है। और कौन सा मौसम आना चाहिए? बरसात में, बरसात है ना। और यहाँ ऊपर में भी है पंचधारा, क्यों ये झरना पंचधारा के नाम से प्रसिद्ध है या क्यों जानते हैं लोग? लोग हाँ बोलना चाहिए तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है, इसीलिए आते हैं। हाँ, और बता रहे थे कि पंचधारा गिरता है कौन सा नदी से? कौन सा नदी से आता है वो? मैन पाट वाला, परसा कछार, परसा कछार, फिर मैन पाट, फिर बुकोलोटा हो गया। अच्छा, बहुत ही यहाँ पर भालू वगैरह रहते हैं? नहीं, भालू का तो कोई खतरा उतरा नहीं। तो बकरी लोग कैसे चढ़ गए हैं? इधर बकरी भी हैं, चढ़ रहे हैं, हाथी उथी आते हैं? हाथी तो आते हैं। अच्छा, तो आप जी और बताइए यहाँ के बारे में कुछ, कौन कौन सा पेड़ मिलता है यहाँ? यहाँ पे हाँ हो गया तराई, हाँ चिड़िया उड़िया, चिड़िया उड़िया तो बहुत है। कहाँ चिड़िया मिलता है? अरे नाम मेरे को पता है। चलिए वहाँ पर पिकनिक जो आए हैं उनसे पूछताछ करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कैसे लगा क्या है। चश्मा आन ले आओ यार, मेरे हमको भी खाना उना खिला दें तो खिलाइए देंगे। और यहाँ पर देखिए पसीना आ रहा है चढ़ने के बाद, लेकिन यहाँ का गोल्डन जो सन सीन है, सन साइन है गोल्डन के, और कुछ बच्चे लोग यहाँ पर आए हैं, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पर, थक गया हूँ, पहली बार आया, बड़ा ही अच्छा है यहाँ पर, खास मुर्गा उर्गा बन रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और हमारे दोस्त लोग हैं यहाँ पर, अब मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो चढ़ते हुए बहुत ख़तरनाक लग रहा था, अब हमारा दोस्त लोग हैं, हमारे बच्चे लोग भी हैं लग रहे हैं, बहुत लोग को जानता भी हूँ, है ना। तो अपना अपना परिचय बता दो यार दोस्त। अवधेश राजवाड़े, मैं भी राजवाड़े हूँ, बताओ राज, विवेक राजवाड़ी, बुद्धि बतावे भाई, कोई शर्माना नहीं है, खाओ ना यार अपना जी। हाँ लोग जान रहे हैं, मोटिवेशनल हैं जी सर। और यहाँ पर कुछ गुड़िया लोग आए हैं, लड़की लोग भी आए हैं, बताओ क्या नाम है, बता दो शर्माने वाली क्या बात है? रानी, रानी मुखर्जी है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब इधर क्या नाम है आपका, शुभ नाम ये बताइए रानी जी। यहाँ पंचधारा मैं पहली बार आया हूँ, सुना था खास बनाने के लिए आया हूँ, और बहुत लोग बोले कि मत चढ़िए आधा तक देख लीजिए,
लेकिन मैं बोला जब तक आया हूँ तब नहीं देखेंगे तो क्या फिर देखे, है ना। तो पहली बार आप आए हैं कि और भी कभी आए थे? कभी आए थे, एक बार दो बार। यहाँ के बारे में बताइए रानी जी, का अच्छा लगता है? कुछ नहीं पता है। देख कर चढ़ते समय कैसे लगा? यहाँ तक आते समय पसीना निकला कि नहीं? बताइए सर। हमारा सब्सक्राइबर भी है, क्या नाम है भाई? सुरेश भाई। ए सुरेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर चढ़ते समय तो मेरा हालत ख़राब हो गया था, ऐसा लगा कि नहीं चढ़ूँ यार, उतर जाऊँ, बड़ा मुश्किल से चढ़ा हूँ। तो ये बताइए कि यहाँ के खूबसूरती, यहाँ के जो प्राकृतिक छटा है, यहाँ का बनावट, यहाँ पत्थर है, यहाँ पर खतरा भी है। दो साल पहले एक लड़की सेल्फी के चक्कर में फिसल गई थी और सीधा नीचे पहुँच गई थी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गलती मतलब मौत है, ऊपर वाला ये चमत्कार ही बचा सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पर आइए, मौज मस्ती कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन सावधानी बरत करके। छोटा सा गलती मतलब बहुत बड़ा खतरा है। अब इस टाइप का आए दिन पानी है, तालाब है या नदी सरोवर, इस टाइप में हमेशा खतरा रहता है। तो लोकल है ना, तो फिर एक्सपीरियंस है हम लोग की चढ़ने का, तो क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, पैर रखना कहाँ पे है, ये सब पता है, तो फिर हम लोग को ज्यादा उचित नहीं है। जी जी जी, जो जो नया आएंगे उसको क्या टिप्स देना चाहेंगे सर? और खाने पीने का जी आप ही इन्हीं को जिम्मेदारी दिए गए हैं। और उधर सेल्फ पुल लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इंजॉय कीजिए सर। हम चाहते हैं पंचधारा की इंजॉय कीजिए, और पेपर में भी आएगा हरिभूमि में, इसमें छापूंगा मैं, और इसका लोकेशन उसके बारे में मैं चाहता हूं कि रोड भी यहां से बने और लोग जितना तादाद में आए, पर्यटक विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहां का जो एक्सपेंड करे, यहां के लोग जाने, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से अभी हाँ पूरा यहाँ के छत्तीसगढ़ में पूरा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक अच्छा अच्छा जगह है, लोग नहीं जानते हैं। मेरा खास ये रहता है, आज मैं बॉयज़ स्कूल वर्मा सर प्रिंसिपल सर से मिले तो मैं बात कर रहा था यूट्यूब के बारे में, तो बताया कि जो फेमस जगह रहता है उसको तो दुनिया जानता है, शूट करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो पृथ्वी के गर्त में, हमारे धरती माँ के गर्त में कह सकते हैं, उसके ऐसे ऐसे प्राकृतिक छटा है, लोग नहीं जानते हैं उसको। मैं तलाश करके, खोज करके, मेहनत करके अगर लाऊँ तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ देखेंगे, है ना। वाओ, वंडरफुल, वेरी ब्यूटीफुल फॉल, सो फर्स्ट टाइम विजिट एंड पंचधारा माउंटेन मेन पार्ट, सो वेरी ब्यूटीफुल डेंजर, रॉक रॉक एंड फॉल वाटर, सो वेरी ब्यूटीफुल मिल्क वाटर सीन, सो अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल कम वन टाइम सीन टू पंचधारा वाटरफॉल, सो अंबिकापुर, माई यूट्यूब परमान रजवाड़े ब्लॉग्स हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा दृश्य, बच्चे लोग हैं, बहुत आनंद। और मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं भी हमारे टीम के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, स्कूल से आएंगे हम लोग, ऐसा सोच है ना, स्कूल से बच्चे लोग को लेके आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं हो गया सर, आप लोग बोल दिए, हमको मिल गया, मैं तो थक गया हूँ इसे ही, लेकिन यूट्यूब है तो बोलना तो पड़ेगा, है ना, अब बोलना पड़ेगा। तो चले, कहाँ से आए थे सर? बस यहीं नांदमाली गाँव। अच्छा, नांदमाली से, तो आपका अपना जगह से है मतलब कह सकते हैं। पंचधारा में कभी नहीं आया था, आज पूरा हुआ सपना। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है, सपना आदमी देखता है तो जरूर पूरा होता है, है ना। ये सर शरमा रहे हैं, शरमाना नहीं चाहिए, है ना, बेबाकी से साथ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज लड़कियाँ लोग कितना हिंदुस्तान में परचम लहरा रहे हैं, एयर होस्टेस बन रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे पूजा जी, पूजा निरानी जी, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पढ़ाई करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए, पढ़ाई उढ़ाई कहाँ करते हैं? गर्ल्स स्कूल में दहिरमा में, वो प्रिंसिपल सर अंबिकापुर से हैं, जानते हैं ना वो सर, जानते हैं, क्या नाम तो है उनका, हाँ हाँ सर जानते हैं, खास हैं अंबिकापुर में, जब हम लोग का परीक्षा चल रहा था डिप्टी उन्हीं का लगा था, खास जानते हैं, मेरे को बुलाए थे कि आइएगा करके। और आप कहाँ पढ़ते हैं? चलिए, क्या बोल रहे हैं सर? चेक डैम बना है, अरे तो चेक डैम जाना पड़ेगा यार, यूट्यूब में दिखाऊंगा, आप लोग देखे हैं ना, चलिए चेक डैम चलो यार घुमाओ, दिखाओ मेरे को भाई। चलिए, हमारे दोस्त हैं, क्या नाम है भाई? अवधेश राजवाड़े, कहाँ से, करजी से हैं? हाँ हमारे एरिया से हैं। चलिए अवधेश राजवाड़े जी, वो चेक डैम में ले जा रहे हैं हमको, अभी चेक डैम में दिखाते हैं पूरा, यहीं पर घटना हुआ था दोस्तों, तो किनारे में नहीं जाना है ज़्यादा। चेक डैम बना है तो बड़ा धारा है यार, पंच धारा के। अच्छा चलिए दिखाएंगे अवधेश भाई, चलिए आगे चढ़िए ऊपर, अब पूरा मैं दिखाता हूँ वहाँ पर, चाहे चलो एक बार देख के आते हैं। योगेश भैया चलो आते हैं, बहुत शाम को हो रहा है, जल्दी जाना है यहाँ से। चलो भाई एक बार आ जाइए हमारे गाइड के साथ, योगेश भाई आ जाओ एक बार, आइए ना, ये आइए ना एक बार, बैग चोरी नहीं होगा, आओ ना यार, कोई बम नहीं है उसमें। ये देखिए मज़ा आ रहा है, अभी दोबारा शाम हो जाएगा तो देखने को नहीं मिलेगा। कैसे अधेश राजवाड़ी जी, आप लोग तो
खा पी करके चार्ज हो गए हैं भाई, हम लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। चलिए देखते हैं, ये है पत्थर पंचधारा, बेहद ही खूबसूरत। यहाँ के बारे में बताओ यार, के बार आए हो और दो बार हो का अनुभव रहा है यहाँ? बहुत ही बढ़िया का अनुभव, बताइए कुछ। अभी कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग को? चेक डैम बनाया गया है, वो डैम कहाँ है? वो हाँ, ये पंचधारा के ऊपर में चेक डैम है, वहाँ पर बांध बनाया गया है शासन द्वारा। ना यार, तो ये चेक डैम को इतना दूर कैसे चढ़े होंगे लोग, सोच से परे है भाई। जब ताजमहल 22 साल में बना सकते हैं विदेश से पत्थर लान के, ये तो फिर छोटा मोटा बात है। थक गया हूँ यार, यहाँ के हवा एकदम मीठी मीठी हवा चल रहा है, दिल को गार्डन गार्डन कर देता है। जब शरीर में टकराता है हवा, बह रहा है मंद मंद कल कल आवाज, चारों तरफ से पत्थर, ठंडा हवा, मस्त सरिता बह रहा है। अब एक चेक डैम है, चेक डैम क्यों बांधा गया है वन विभाग द्वारा? पानी को रोकने के लिए, लेकिन फिलहाल पानी नहीं रुक रहा है। और ये है करंट है का? ये बांधा गया है पत्थर को रोकने के लिए, जाली लगा है ना? ये है पूरा, देखिए ये इधर जा रहा है। और पंचधारा के बाद बात कर रहे थे, पंचधारा कहाँ पर बह रहा? वही इधर नहीं, ऊपर है। ऐसे ऐसे दृश्य और है, पागल कर दोगे यार, यहीं तक जाएंगे। उधर और जाते हैं लोग? नहीं जाते हैं, बस नहीं जाते। तो यही है, ये कौन सा नाका बोले यार, करनाला, ये पंच का है, पंचधारा के अंदर ये डैम है, चेक डैम, यानी कि टेम्पररी अस्थायी रूप से जो ये जाली है ना, जाली से बांध करके पत्थर बाहर ना जाए। उधर ये पहाड़ है चारों तरफ, बेहद ही खूबसूरत। मैं परमान राजवाड़े, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यूट्यूब के अंदर जब तक मैं जिंदा रहूँगा, तब तक जो हमारे भारत माता के गर्भ में छुपा हुआ अदृश्य, जो बेहद ही खूबसूरत, वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है, जो लोग नहीं जानते हैं, उस चीज़ को चुन चुन करके, खोज खोज करके, मेहनत पसीना बहा बहा करके मैं लाऊंगा। और आप देखते रहिए, आप लोग का प्यार, आप लोग का स्नेह, आप लोग का मोहब्बत और आप लोग का सपोर्ट अगर रहेगा, तो भारत के लेवल के हर जिला के खोज खोज करके लाऊंगा। अब इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जाऊँगा, अभी तो शुरुआत है, आगे अंजाम आप आगे देखिए। और यहाँ पर हम लोग फोटो का सेशन होगा, अवधेश राजवाड़े भाई सपोर्ट किए, उसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और यहाँ का खूबसूरती को मैं देख करके दिल गार्डन गार्डन हो जाए, भूख प्यास सब खत्म हो गया है, पानी प्यास कुछ नहीं लग रहा है। और यहाँ पत्थर बेहद ही खूबसूरत नक्काशी किया गया है कुदरत के द्वारा, ऊपर वाले के द्वारा। और यहाँ देखिए, वहाँ पर अभी हम फोटो का सेशन होगा, चारों तरफ से पहाड़ है, ये मैन पार्ट के श्रृंखला के अंदर बीच में पत्थर है। अब बहुत सारा पत्थर पहले जमाने में ऐसा रहा को ढह गया, और कुछ वहाँ से नीचे आ रहा है पानी, स्रोत बना। कहते हैं कि पानी हर आकार में ढल जाता है, और कहीं ना कहीं अपना रास्ता खोज लेता है, यहाँ पांच भाग में बढ़ जाता है ना, पांच भाग में बढ़ जाता है, और रास्ता अपना खोज लिया पानी अपने रास्ता में, और रास्ता को खोज लेने के बाद पानी जिस दिशा में ऊपर से नीचे गिर रहा है, वही पंचधारा बन गया। ये है पंचधारा का खूबसूरती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी दर्शक यहाँ पर आए, यह खूबसूरती या प्राकृतिक जगह को देखने का खास लुभावना या इंटरेस्टिंग या आपको अच्छा लगता है, तो आप पंचधारा एक बार जरूर आइए। मैन पार्ट श्रृंखला में, जो कि छोटा दमाली के बीच सटा हुआ गांव, पहाड़ पत्थर चट्टान से निकलता है, पांच धारा में बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर चढ़ाई में बहुत मुश्किल है भाई, मोटा होंगे ना इतना ज़्यादा, उसका एक्सरसाइज अच्छा खासा हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुश्किल है चढ़ना। अब एक बार एक लड़की सेल्फी ले रहा था ऊपर चढ़ने में, तो फिसल गया, फिसलन भी है यहाँ पर, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और आप लोग देखते रहें और मस्त रहें। और लिब्रा डैम, लिब्रा फाल जो है अभी बहुत फेमस हुआ था, है ना, लिब्रा अंबिकापुर वाला, तो अभी उसी टाइप का हादसा हो गया दो बार, है ना, तो बंद हो गया। और यहाँ पर फोटो का सेशन होगा, फोटो वोटो खींचो भाई, आगे आप देखते रहिए परमान राजवाड़े ब्लॉग्स, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रतिदिन आता है 100 दिन का चैलेंज है, उस चैलेंज में आज मैं संडे सैटरडे यानी शनिवार को पहुँचा हूँ, और आज है 31 अगस्त 2024, दिन शनिवार है, वैसे भी शनिवार मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा और ख़ास दिन होता है, तो उस खूबसूरती में यहाँ पर आए हुए हैं।
हमारे ही अगल बगल के दोस्त लोग, लड़कियां लोग, लड़के लोग, युवा साथी लोग सब पहुंचे हुए हैं और जाने के लिए सारा सिग्नल दे रहे हैं कि हो गया हमारा टाइम उतरने का और हमारा शूटिंग का टाइम, तो फोटो एक बार हो जाए भाई। थोड़ा सा चश्मा उसमें लाए हो भाई हमारा, लेके आइए थोड़ा फोटो खिंचवाते हैं, तब तक फोटो का सेशन हो जाए आगे। तो आप पूरा वीडियो देख लिए हैं, परमान राजोड ब्लॉग्स लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पंचधारा आए थे, दिखाए पूरा दृश्य कैसे लगा, और बस यहीं तक हमारा कहानी था। और एक बार फिर से रिव्यू कर दूं कि सरगुजा संभाग अंबिकापुर से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दक्षिणी इलाका में, यानी मैनपाट इलाका में, यानी दरिमा एयरपोर्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर छोटा दमाली में सटा हुआ मैनपाट पहाड़ी से नीचे, जब पत्थर से ऊपर नीचे गिरता है पांच धाराओं में, और छोटा दमाली गाँव है बसा हुआ उसके नीचे जस्ट, उसी को पंचधारा कहते हैं। पर्यटक दृष्टि से बहुत ही होनहार, बहुत ही अनुपम और अद्वितीय अनुपम दृश्य कह सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो के माध्यम से पर्यटन जो प्रशासन है वो भी यहाँ का अचाक चौबंद करें, व्यवस्था करें, रास्ता के एकदम सुलभ बनाएं, जिससे आने वाला समय में पर्यटक देखने के लिए आए अंबिकापुर से, बहुत अच्छा जगह बन सकता है। और पंचधारा आए थे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद।